बिसमीम्स अल्लाम वरिम्लि वर्कू वेलकम बैक टू द चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि खैर खैरवाफ़ियत से होंगे अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो यहाँ मॉर्निंग का वक्त था और मैं कर रही थी नाश्ता अंडा पराठा और चाय के साथ तो जो आज का व्लॉग है वो सैटरडे का व्लॉग है क्योंकि मैंने जो है लास्ट शेयरिंग आपके साथ की थी फ़्राइडे की तो नेक्स्ट जो है वो सैटरडे uh, था और सैटरडे एज़ यू ऑल नो कि हमारा ग्रॉसरी डे होता है तो हम बस उसी के लिए जो है वो निकल चुके थे घर से और रास्ते में जो है वो हमने टेलर से कपड़े भी पिक करने थे बच्चों के लास्ट टाइम लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो जो टेलर की शॉप है वो है मुगलिना में और इसी एरिया में मौजूद है पाकिस्तानी स्वीट्स तो मैंने हस्बैंड को कहा कि चलते हैं वहाँ पर और मैंगोज़ ले लेते हैं पाकिस्तानी क्योंकि अब मैंगोज़ जो है वो चंद दिन के मेहमान रह गए हैं तो सेवेंटी रियाल्स की पेटी जो है वो मिल जाती है फ़ाइव के जी की लेकिन उन्होंने हमें सिक्सटी फ़ाइव की दे दी थी अब्दुलरहमान ने जो है वो ले लिए थे अपने लिए गोल गप्पे वहाँ से क्योंकि उसको बहुत पसंद हैं तो बस अब हम उसके बाद टेलर के पास चले गए थे और कपड़े जो हैं वो कलेक्ट कर लिए थे बच्चों के और उसके बाद बस अब हम जाएंगे लुलू और इस दफ़ा जो है हम लुलू जो गए हैं वो गए हैं अबू समरा वाली ब्रांच में जो कि बहुत बड़ी ब्रांच है और यहाँ कतर में भी सबसे बड़ी जो है वो यही वाली ब्रांच है और ये है सलवा रोड पे तो देखिए एंट्रेंस पे ही उन्होंने ये सारी जो है वो डेकोरेशन की हुई थी यानी स्कूल से रिलेटेड क्योंकि बच्चे जो हैं वो अब स्कूल वापस जा रहे हैं तो तकरीबन हर मॉल वगैरह में हमें यही सब नज़र आता है अच्छा जी अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं और एंटर होने के साथ ही जो है वो यहाँ पे ऑफ़र सेक्शन होता है तमाम तर चीज़ों का तो सबसे पहले हम इधर ही आ जाते हैं जो जो चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं या जो हमने लेनी होती हैं जैसे कि मिल्क हो गया पानी हो गया या कोई शैम्पू वग़ैरह की ऑफ़र हुई तो वो हमें अच्छी कॉस्ट पर मिल जाती है क्योंकि ऑफ़र जो है बहुत अच्छी अच्छी भी कभी कभी लगी होती हैं तो पहले हम यहीं पे विज़िट करते हैं उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आज जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ वो मैंने ग्रॉसरी जो है कभी भी आपके साथ इतनी डीपली शेयर नहीं की होगी क्योंकि बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ लेकिन आज जो है वो मैं सही से आपको दिखा रही हूँ और रेट्स जो हैं वो भी उनके साथ साथ आपको नज़र आ रहे होंगे लगे हुए तो बस मैंने शैम्पू ले लिया था और ये है हिमानी का प्रोडक्ट फ़ेस वॉश है और ये जो है प्रोडक्ट वो है वसीम बदामी का जो कि आप सब जानते ही होंगे और बस अब जो है वो मैं ले लूँगी किचन और बाथरूम से रिलेटेड जो चीज़ें जैसे कि स्पंज हो गया या फिर जिफ़ वगैरह हो गया तो उससे क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं ले लूँगी ये सारा वो सेक्शन है और उसके बाद हम आ गए थे न्यूटेला के सेक्शन में क्योंकि बच्चे जो है मेरी पसंद करते हैं न्यूटेला बहुत ज़्यादा वो क्रीप्स पे भी लगा के खाते हैं इसके अलावा भी ब्रेड वग़ैरह पे भी लगा के खाते हैं शौक़ से तो हस्बैंड जो है वो मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि जो बाल्टी है ये इतनी बड़ी सी ये ले, ले लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी जो है वो ज़्यादा अमाउंट थी तो उसके बाद हम जो है वो अब आगे आ गए हैं बिस्किट्स के सेक्शन में और ये जो कुकीज़ हैं मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं काउंटरी कुकीज़ और ये जो मामूल है वो मैं और मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं तो बस अब हम यहाँ से कुकीज़ ले, ले लेंगे अपनी अपनी पसंद की वैसे बिस्किट से ज़्यादा जो है मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो चिप्स पसंद करते हैं तो ये जो है वो सिलेक्टेड ही हम लेते हैं इसके अलावा जो चिप्स होता है वो अपनी अपनी पसंद के सब बच्चे ले लेते हैं अच्छा ये है किंडर के एग्स और इसमें ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इस दफ़ा इन्होंने जो ये न्यू निकाला है तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है कि टॉयज़ के अलावा भी हम परचेज़ कर सकते हैं अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो टॉयज़ तो ले लेते हैं लेकिन उसको फेंका हुआ होता है तो यानी कि वो यूज़ नहीं करते बच्चे बिल्कुल भी ना तो वो वेस्ट ही हो जाता है तो अब जो है वो हम आ चुके हैं इंडियन स्नैकिंग के सेक्शन में और यहाँ पे देखें तरह तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं इसी एरिया में जो है वो आगे जाके चिप्स हैं और मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि पैकेट अगर हम लोग ले लें पूरे किसी एक चिप्स का तो वो हमें ज़रा रीज़नेबल पड़ता है लेकिन बच्चे जो हैं वो अलग अलग पसंद करते हैं तो अपनी अपनी पसंद के ही वो चिप्स उठाते हैं किसी को जो है स्पाइसी किसी को चीज़ी यानी कि डिफ़रेंट वैरायटी ऑफ चिप्स पसंद हैं इसके बाद हम आ गए थे पास्ता और सॉसेज वग़ैरह के सेक्शन में तो यहाँ से हमने पिज़्ज़ा सॉस ले ली थी और पास्ता जो है ये ऑफ़र में लगा हुआ था तो मेरे बच्चे आपको पता है कि पास्ता बहुत शौक से खाते हैं मैं काफ़ी बार शेयर भी कर चुकी हूँ रेसिपी वगैरह तो अगर हम उसके अंदर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस एक दो चम्मच ऐड कर दें तो उससे जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है तो बस हम वो ले लेंगे और उसके बाद ये आ गए थे पिकल सेक्शन में और यहाँ पे जो है वो ऑलिव्स वग़ैरह और सारी जो वेजिटेबल्स पिकल्ड होती हैं वो रखी हुई थी और बस अब उसी में से हम सिलेक्शन कर रहे थे अच्छा जी उसके बाद जो है ये हैं इंदोमी के नूडल्स जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं इंस्टेंट नूडल्स हैं बस इसके अंदर जो है वो हॉट वाटर ऐड करना होता है और वो जल्दी से बन जाते हैं तो बच्चे अक्सर रात को ये खा लेते हैं यानी कि खाने के बाद की भी जो स्नैकिंग होती है एक वो भी होती है तो वो जो है वो बच्चे इस सूरत में खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम अब आ चुके हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह के सेक्शन में तो यहाँ से बस हम ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वग़ैरह ले लेंगे बच्चे अपने लिए और कोल्ड ड्रिंक में जो मरिंडा है वो हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है और अब्दुलरहमान को ड्यू पसंद है तो बस यही मेनली हम लेते हैं हर दफ़ा अच्छा जी उसके बाद ये आ गया था फ्रीज़र सेक्शन यहाँ से हम ले लेंगे क्रीम और दही वग़ैरह और इसके साथ ये जो सेक्शन है देखें इधर इन्होंने स्टार बक्स का पूरा एक अलग से जो है वो काउंटर बनाया हुआ है तो ऑफ़र भी लगी हुई थी बाय वन गेट वन टाइप की तो हर तरह का फ्लेवर भी मौजूद है अगर किसी को जो है वो स्टार बक्स लेनी है कॉफ़ी तो वो यहाँ से भी ले सकता है तो ये है आ, केक का सेक्शन और मैंने भी अपने लिए जो है वो आ, चौको केक ले लिया था और बच्चों ने भी अपनी पसंद की जो आ, उनको पसंद है वो उन्होंने ले लिया था ये है आ, योगर्ट का सेक्शन और फ्लेवर्ड योगर्ट जो है वो अफरा और उसके बाबा जो हैं वो शौक़ से खाते हैं तो उन्होंने वो ले लिया था उसके बाद हम आ गए हैं चीज़ सेक्शन में तो आ, कीरी की जो चीज़ है वो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम यही ले लेते हैं और इसके अलावा जो है वो मैंने मिक्स मोजरेला और चैटर चीज़ ले ली थी अच्छा जी ये है पूरा सेक्शन जो है शहद का और यहाँ पे काफ़ी वैरायटी शहद की मौजूद थी यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट का शहद ब्लैक कलर का और वैसे ब्राउन शहद जो होता है नॉर्मल वो वाला और हर तरह के रेट्स भी थे ज़्यादा भी थे और कम भी उसके बाद हम आ गए थे फ्रूट्स और वेजिटेबल के सेक्शन में और यहाँ पे मैं बच्चों को दिखा रही थी कि ये गर्मा और सर्दा इस शेप का होता है और पाकिस्तान में बहुत आम पाया जाता है यहाँ पे कभी कभी देखने को मिलता है तो मैलन की कोई भी कैटेगरी हो हम सब बहुत शौक से खाते हैं अलहमदिल्ला आ, ये हम ले लेंगे और उसके बाद आ, लीची और जो चेरीज़ हैं वो भी आजकल बहुत अच्छी आई हुई हैं और बिल्कुल फ़्रेश हैं और आई थिंक जो चेरी है वो लबनान की थी और जो लबनान के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत अच्छे और मीठे होते हैं और ये देखिए ये है ककड़ी अब मुझे नहीं पता कि आपकी जो जबान है उसमें इसको क्या कहा जाता है आप लोग अगर आ, कुछ डिफरेंट कहते हैं तो ज़रूर बताइएगा तो ये मुझे बहुत पसंद है ये मैंने ले ली थी और ये हैं ग्रीन चिलीज़ और ये बच्चे जो है वो देख के इतना हैरान हो रहे थे कि मामा इतनी जो है वो लंबी लॉन्ग साइज़ की जो है वो ग्रीन चिलीज़ हैं और ये पाकिस्तान की थी तो ये हम ले लेंगे सारी सब्ज़ी वगैरह और सारे फ्रूट्स उसके बाद हम एंड में जाते हैं फ्रीज़र सेक्शन में क्योंकि चीज़ें जो है वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं तो हम लास्ट में जाते हैं फ्रीज़र सेक्शन में तो यहाँ से हमने बर्गर पैटीज़ वग़ैरह और कॉर्न ऑन द कॉब वगैरह और जो आइसक्रीम्स हैं वो ले ली थी क्योंकि बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम्स भी बहुत पसंद करते हैं तो मैं एक ही बार ले जाती हूँ हफ्ते की तो उसमें ये होता है कि बच्चों को जब भी दिल करता है वो निकालते हैं और खा लेते हैं और आइसक्रीम्स में जो है वो सबसे ज़्यादा डैंडी की जो ये आमंड डिलाइट है ये हमें पसंद है इवन मुझे और इनके बाबा को भी ये बहुत पसंद है इसके अलावा आइस लॉली टाइप की जो बर्फ़ वाली होती हैं आइसक्रीम्स वो भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं तो ग्रॉसरी जो है वो हमारी हो गई थी और हम काउंटर पे आ गए थे और जितनी मुझसे पॉसिबल शेयरिंग हुई मैंने आपके साथ ग्रॉसरी की की और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये बाहर से जो है लुक है अबूसमरा वाली ब्रांच लुलू का और बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो अगर हम बात करें यहाँ के वेदर की आजकल तो वो बहुत ज़्यादा गर्म है और इतना के दिन में तो हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते कि हम कहीं पे चले जाएं लेकिन रात में भी जो है वो इतना ज़्यादा सफोकेशन होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते बस ये है कि किसी इंडोर प्लेस में हम चले गए तो फिर ही हम जा सकते हैं अदरवाइज़ बाहर तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हम कहीं चले जाएँ तो ये जो है ब्रिज आप देख रहे हैं ये है शेख सबा कॉरिडोर के नाम से ब्रिज है नया बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और ये फर्स्ट केबल ब्रिज है यहाँ कतर में और यहाँ पे इसकी जो है वो डिफरेंट लाइट्स भी जलती हैं तो अगर डिफरेंट लाइट हो तो वो बहुत अच्छी लगती है अभी तो उन्होंने वाइट जलाई हुई थी लेकिन वैसे जो है ये आ, मतलब डिफरेंट कलर्स में जब जलती है लाइट तो बहुत प्यारी लगती है तो आ गए थे हम घर और घर आके मैंने बर्गर्स बना लिए थे क्योंकि फिर ग्रॉसरी वगैरह भी लगानी होती है और भी काम होते हैं तो क्विक सा ये जल्दी बन जाता है अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और उसमें मैंने जो है ये फ्रूट्स निकाल लिए थे सारे क्योंकि ये जो फ्रूट्स होते हैं थोड़े जो सीजनल uh, फ्रूट्स होते हैं जो कम वक्त के लिए आते हैं ये बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं इनमें फंगस लग जाती है तो इनको फिर मैं क्या करती हूँ कि निकाल के नेक्स्ट डे ही या फिर अगर सेम डे में भी मैं पॉसिबल हुआ तो मैं उसी दिन भी इसे निकाल के वॉश करके और अच्छे से फ्रिज में रख देती हूँ फिर ये होता है कि जो बच्चे हैं वो ईज़िली उसको खा सकते हैं फिर धोने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती इस तरह के जो कलरफुल फ्रूट्स हो गए या कोई ऐसी चीज़ हो गई आ, मतलब हमेशा ही हमें गौरव फिक्र करना चाहिए और मैं बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि हमेशा खा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी प्यारी प्यारी नेमतें बनाई हैं और नेमतों में भी कितनी कितनी वैरायटी और कलर्स दिए हैं तो ये सब कुछ देख के आँखों को एक सुकून सा भी मिलता है और शुक्र भी निकलता है तो शुक्र जो है वो नेमतों में इजाफे का सबब बनता है हमें हर चीज़ जो भी हमें अल्लाह ताला दे रहे हैं चाहे वो किसी भी हवाले से कोई भी रिस्क हो सिर्फ रिस्क खाने का नहीं होता रिश्ते जो हैं वो भी रिस्क होते हैं तो हमें रिश्तों का भी ख्याल रखना चाहिए और नियमतों का भी एतराफ़ करना चाहिए और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शाकरीन साबरीन में से बनाए आमीन सुमामीन और ये देखिए कितना क्यूट सा जो प्रोजेक्ट है महाँ ने बनाया था बॉक्स से जो कि घर में ही मौजूद था उसको जो है वो प्रोजेक्ट मिला हुआ था और ये है पिक्चर प्रोजेक्ट की तो उसने जो है वो इसी में से देख के जो है वो मॉडल पूरा क्रिएट किया था और जो क्ले होती है उसकी मदद से उसने ये सारे क्यूट क्यूट से जो करेक्टर है वो बनाए थे तो बहुत ही मुझे प्यारा लगा और मैंने कहा मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूंगी तो मेरी जो शेयरिंग है वो आज की यहीं तक थी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी तब तक के लिए फीमान ला